Dear students, good morning. Today we will start the chapter The Way the World Looks. Chapter number 5 है ये. The way the world looks का मतलब है कि जो world है वो हमें कैसे दिखता है, ठीक है, किस तरीके से हम उसको देखते हैं. मतलब क्या कि objects जो हैं वो हमें कैसे दिखते हैं, कि अगर हम side view से देखें तो कैसा दिखता है, टॉप व्यू से मतलब ऊपर से देखें तो उसको हम टॉप व्यू बोलते हैं, ऊपर से कैसी दिखती है कोई भी चीज़, ठीक है, और साइड से देखते हैं तो साइड से कैसी दिखती है वो चीज़, यानी कि साइड व्यू. और फ्रंट व्यू भी होता है एक, आगे से देखने में, और रियर व्यू मतलब पीछे से देखने में जो व्यू हमें दिखाई देता है, जो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखता है पीछे से देखने में, उसको हम रियर व्यू बोलते हैं. बेसिकली चार व्यू होते हैं, ठीक है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और रियर व्यू, ठीक है. रियर मतलब पीछे वाला व्यू, फ्रंट मतलब आगे वाला व्यू. बट यहाँ पे इस लेसन में हम सिर्फ दो ही करने जा रहे हैं डिस्कस, साइड और टॉप व्यू, ठीक है. तो अब देखिए लेसन है गप्पूज एयर जर्नी. गप्पू कौन है? एक माउस है, चूहा है. ये देखिए यहाँ पे एक चूहा दिखाई दे रहा है आपको बैलून के साथ, इसका नाम गप्पू है, ठीक है. अब ये क्या है देखिए, गप्पूज एयर जर्नी मतलब गप्पू एयर में जो जर्नी कर रहा है, हवा में कैसे कर रहा है, एक बैलून की हेल्प से कर रहा है, ठीक है. अब वो देखिए, गप्पू वाज ए ब्रेव लिटिल माउस. गप्पू एक साहसी छोटा चूहा था. वन डे एक दिन ही सा चिल्ड्रन प्लेइंग विद ए ह्यूज गैस बैलून. एक दिन उसने देखा बच्चों को खेलते हुए एक बड़े गैस के बैलून के साथ, ठीक है, गैस भरी हुई थी उसमें. गैस मतलब जिसे नाइट्रोजन गैस भर देते हैं कई बार. द बैलून, जो गैस भरी होती है तो वो बैलून ऊपर उठता है, ठीक है. सिंपल वाले बैलून नहीं उठते अपने आप, लेकिन जो गैस जिसमें भरी जाती है वो ऊपर उठता है, ठीक है. द बैलून वेंट अप एंड टच द रूफ. बैलून ऊपर गया एंड रूफ को छुआ उसने, मतलब रूफ तक पहुंच गया वो. गप्पू वाज थ्रिल्ड. गप्पू जो था वो बहुत उत्साहित था. ही गोट एन आइडिया, उसको एक आइडिया मिला, ठीक है. नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए थे, गप्पू क्लाइंबड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बैलून. जो गप्पू है वो जो बैलून की स्ट्रिंग थी मतलब जो उसका धागा था उसके ऊपर चढ़ गया. ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव. वह ऊपर से जो फैन के ब्लेड्स हैं उनको देख सकता था. अब देखिए वो क्या कह रहा है ऊपर चढ़ के, ओह देर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स. अरे यहाँ बहुत मिट्टी है इन ब्लेड्स पर. जो पंखे के ब्लेड हैं वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा मिट्टी दिखाई दे रही थी, ऊपर से, नीचे से इतनी नहीं दिखाई दे रही थी. फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन. नीचे से वो कितने क्लीन दिखते हैं, ठीक है. अब उस चूहे को ऊपर से ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा था क्योंकि वो छोटा है, वैसे भी उसको दिख नहीं रहा था नीचे से फैन इतना, और ऊपर जाने से उसको फैन अच्छे से दिखाई दे रहा है और उसको पता चल रहा कि वहाँ पे मिट्टी है. अब देखिए, ड्रा हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. जो फैन के ब्लेड हैं, ठीक है, और जो फैन है वो नीचे से कैसे दिखता है, सिर्फ उसके ब्लेड दिखते हैं और जो गोल गोल होता है वो दिखता है, तो उसको ड्रॉ करना है आपको, नोटबुक में ड्रॉ करना है. ये क्वेश्चन लिखेंगे और ड्रॉ करेंगे, ठीक है. उसके बाद देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चैप्टर की, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है ड्रॉ, ये ड्रॉ करेंगे. पहला क्वेश्चन हो गया ये, नोटबुक में लिखना है ये. गप्पू लुक्ड डाउन. गप्पू ने नीचे देखा. ही कुड सी द बैट. वह देख सकता था. क्या क्या देख सकता था वो, देखो नेक्स्ट पिक में हमें क्या क्या चीजें दिखा रखी हैं. एक बैट दिखा रखा है, टू चेयर्स दिखा रखी हैं, एक स्टूल है छोटा सा, और एक टेबल है. टेबल के ऊपर क्या क्या है, जग है, बोतल है और ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, और इस जग के ऊपर चीज रखा हुआ है, वाइट वाइट कलर का दिख रहा है ना आपको, ठीक है. अब देखिए ये क्या कह रहा है, क्या क्या रखा हुआ है. ही कुड सी द बैड. वो बैड देख सकता है, चेयर देख सकता है, वन टेबल, एक टेबल विद बुक्स ऑन इट. बुक है जिसपे, ये जो ये वाली इसको बोल रहा है, ये टेबल है एक छोटी टेबल जिसपे बुक्स रखी हुई है, इसको हम स्टूल भी बोलते हैं, ठीक है. एंड द अदर टेबल विद ए बोटल. और दूसरी टेबल है जिसपे क्या क्या है, बोटल है, एक जग है, फ्रूट्स हैं और भी चीजें हैं, एटसेट्रा, इसलिए लिखा है एटसेट्रा मतलब और भी चीजें हैं इस पे.
लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो, इन चीजों के लिए आप फोटो को देखेंगे, ये फोटो दिखेगी आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नहीं यहाँ पे कुछ है, देखो दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, वो स्टूपिड चिंकी इन चीज के लिए देख रही है, ठीक है। कांट इवन सी इट इज कैप्ड ऑन टॉप ऑफ द जग, वो इसको देख भी नहीं पा रही है, ये जग के टॉप पर रखा हुआ है, जग के ऊपर रखा हुआ है। अब जो चिंकी है, चिंकी नाम लिया, चिंकी है जो, वो कहीं फर्श पे है, ठीक है, तो वो नीचे कहीं है, आई थिंक इधर है, मेरी बुक में दिखाई नहीं दे रही है, फ्लोर पे कहीं है, तो वो इसको देखने की कोशिश कर रही है, तो उसको तो दिख नहीं रही है चीज, उसको स्मेल आ रही है, हालांकि स्मेल आ रही है क्योंकि चूहे को स्मेल आ जाती है, तो वो उसको ढूंढ रही है, लेकिन चूहा जो ऊपर है, गप्पू जिसका नाम है, वो ऊपर से देख पा रहा है उसको, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन चिंकी ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट, क्या कह रहा है कि आप क्या सोचते हो कि जो गप्पू है वो तो चीज को देख पा रहा है लेकिन जो चिंकी है वो नहीं देख पा रही है, अब जो गप्पू है वो तो ऊपर है, ठीक है, गप्पू इज अबाव अबाव द रूफ एंड ही इज नियर अबाउट द फैन सो ही कैन इजिली वॉच द चीज, बट जो चिंकी है वो नहीं देख सकती, सी कुड नॉट, क्यों नहीं देख सकती, क्योंकि वो सी इज रनिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है, वो फ्लोर पे है इसलिए नहीं देख पा रही है। नेक्स्ट देखिए, जस्ट देन ए स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बैलून आउट ऑफ द रूम, तब एक स्ट्रॉन्ग विंड आई और उसने पुश कर दिया, धकेल दिया बैलून को रूम से बाहर, बाहर आ गया वो विंडो वगैरह से, या हो सकता है दरवाजे से आ गया वो, यहाँ नहीं मेंशन किया गया, लेकिन हवा की वजह से वो बाहर आ गया। द बैलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई, जो बैलून है वो उड़ना शुरू हो गया ऊपर की तरफ, उड़ा ऊपर की तरफ, एंड गप्पू जो है वो स्काई में, आसमान में ऊपर उड़ना शुरू हो गया, ठीक है, एज ऊपर उठना शुरू हो गया, एज ही लुक्ड डाउन, जैसे उसने नीचे देखा, ही कुड सी हिज हाउस, वो नीचे अपने घर को देख सकता था, एज ही बेंट हायर, जैसे वो और ऊपर गया, ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिम अराउंड हिज हाउस, जैसे वो और ऊपर गया वो अपने घर के जो उसके घर के चारों तरफ चीजें थी उसको भी आसानी से देख सकता था, जैसे कि क्या क्या, द पार्क, पार्क को देख सकता था, गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारा है उसको देख सकता था, रेलवे लाइन, एक रेलवे लाइन है उसको देख सकता था, एक स्वीट शॉप है, और सुशानीज हाउस है विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। अब देखिए इस पिक में ये चीजें दिखा रखी हैं, क्या क्या बोला देखो उन्होंने, सबसे पहले क्या बोला देखो, द पार्क है ना, पार्क है, ये उसका घर है ये वाला, ठीक है, इसके घर के यहाँ पे देखो पार्क है, ठीक है, उसके बाद ये गुरुद्वारा है, एक स्वीट शॉप है ये वाली, ऐसे ये स्वीट शॉप दिखाई दे रही है, गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है, एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये रेलवे ट्रैक है ये वाला, ठीक है, और ये सुशानीज हाउस है, ठीक है, ये वाला क्यों है ये, क्योंकि इस पे एक देखो टैंकी दिख रही है बड़ी सी, इस वजह से टैंक दिख रहा, वाटर टैंक, तो इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, क्या क्या देखो फिर से, पार्क है, गुरुद्वारा, स्वीट शॉप, पेंसिल देखो मेरी कहाँ है, स्वीट शॉप, रेलवे ट्रैक, ये वाला रेलवे ट्रैक है लंबा सा दिख रहा है, ये सुशानी का हाउस है, ये सब चीजें उसको दिख रही हैं, इसको गप्पू को, चूहे को। अब क्या कह रहा है देखो, हु इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, वो रेलवे ट्रैक पर कौन है, इज इट दैट फैट कैट मोंटी, क्या ये मोटा कैट मोंटी है, हा हा हा, फ्रॉम मतलब हंस रहा है वो, हा हा, फ्रॉम हेयर इट लुक लाइक ए बिग वाइट माउस, यहां से वो एक बड़ा व्हाइट चूहा लग रहा है, ठीक है। अब देखो कहाँ है मोंटी, यहाँ दिख रहा है आपको एक व्हाइट कलर, यहाँ पे ये वाला, ये है वो मोंटी, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है वो, दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे, ये गुरुद्वारा होना चाहिए जहां अमरजीत रोज जाता है, ठीक है। अब देखो गुरुद्वारा कहाँ दिखा रखा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, गुरुद्वारा में, क्योंकि ये गोल गुंबद होता है और चार ऐसे साइड्स में भी छोटे छोटे गुंबद होते हैं।
आई डिड नॉट नो देर इज अ स्वीट शॉप हेयर, मुझे नहीं पता था यहाँ एक मिठाई की दुकान है. यम्मी मतलब उसको मजा आ रहा है उसको देख के, क्योंकि चूहे तो क्या होते हैं, मिठाई खाते हैं, मतलब उसको कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं चूहे, तो मजे आ रहे हैं उसको. अच्छा एक ये वाला रह गया, वेन आई रेन अराउंड इन माई हाउस इट लुक्स सो बिग, जब मैं अपने घर में दौड़ता हूँ ठीक है, उसमें चारों तरफ घूमता हूँ तो ये बहुत बड़ा लगता है, बट फ्रॉम हेयर इट लुक स्मॉल, हाउ इज इट दैट, लेकिन यहाँ से बहुत छोटा दिख रहा है, ये कैसे है, क्योंकि वो दूर से देख रहा है, डिस्टेंस से देख रहा है इसलिए उसको छोटा लग रहा है. ठीक है, अलग अलग जगह से हम किसी भी चीज को देखते हैं और डिस्टेंस से, अलग अलग डिस्टेंस से देखते हैं तो चीजें छोटी बड़ी दिखाई देती है ना, जब हम दूर होते हैं किसी चीज से तो वो छोटी दिखाई देती है, और जब हम पास होते हैं तो क्या होता है, वो बड़ी दिखाई देती है. तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि चीजें छोटी बड़ी दिखाई देती हैं, और साइड व्यू से देखते तो अलग दिखाई देती हैं. अभी आएगा साइड व्यू और टॉप व्यू वगैरह. इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव, आप इमेजिन करो कि जो क्लासरूम है ऊपर से कैसा दिखता है. ठीक है, अब जैसे उसको रूम के जो छत पे आ गया था, छत की उसे सीलिंग से टच करने वाला था वो, मतलब फैन के पास आ गया था, तो उसको नीचे की चीजें कैसी दिखाई दे रही थी, ऐसे ही आपको क्लासरूम भी दिखेगा. ठीक है, कि क्या दिखेंगी, उसमें डेस्क दिखेंगे अगर क्लासरूम के अंदर ही लेकिन ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसके डेस्क दिखेंगे, एक बोर्ड दिखेगा साइड में लगा हुआ. ठीक है, अगर बड़ा वाला टेबल है तो वो दिखेगा. ठीक है, ये चीजें दिखेंगे, और अगर बच्चे बैठे हैं तो बच्चे भी दिखेंगे, उनके सिर से दिखेंगे ऊपर से देखने से. अगर हम बिल्कुल ऊपर से छत के अंदर, मतलब रूम के अंदर नहीं छत के ऊपर चले जाते हैं तो सिर्फ छत दिखती है, क्लासरूम की छत दिखेगी सिर्फ. ठीक है, तो आप इमेजिन करना ये चीज कि कैसे दिखेगा, और बनाने की कोशिश करना, नोटबुक में बनाना भी है क्लासरूम कैसे दिखेगा, लेकिन अंदर से कैसे दिखेगा आपको वो बनाना है. डेस्क दिखेंगे, ठीक है, बोर्ड दिखेगा, और चेयर भी दिख सकती है अगर टीचर की चेयर रखी है तो वहां. तो ये सब चीजें आपको बनानी है. ट्राई टू ड्रॉ इट, देखो ये कह रहे हैं कि इसको ड्रॉ करने के लिए ट्राई करना है, आपको बनाना है. एंड मार्क द बेंचेस, और मार्क करना है बेंचेस को, ब्लैक बोर्ड को, डोर्स को, विंडोज को एटसेट्रा, मतलब वो चीजें भी दिखानी है आपको. ठीक है, उसके अंदर द बैलून वेंट अप एंड अप, कि जो बैलून है ऊपर गया और ऊपर गया. ठीक है, गप्पू कैप्ट वंडरिंग हाउ बिग, गप्पू को हैरानी होती गई कितना बड़ा, हाउ बिग द वर्ल्ड इज, कि जो वर्ल्ड है वो कितना बड़ा है. नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, अब वो देख सकता था बहुत सारे हाउसेस, मतलब घर, स्ट्रीट्स, गलियां दिख रही थी उसको, रोड्स दिख रहे थे. ठीक है, एंड बसेस दिख रही थी, और बस दिख रही थी, बहुत सारी गाड़ियां भी दिख रही थी उसको. दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हेयर, ये जो कार्स है और बसेस हैं इतनी छोटी दिख रही हैं ऐसे, जस्ट लाइक टॉय, जैसे कि टॉय हो. एंड पीपल लुक्स लाइक आंट्स, और जो लोग हैं वो कैसे दिख रहे हैं, चींटियों जैसे दिख रहे हैं, मतलब इतने छोटे दिख रहे थे अब उसको. वाव इज दैट द ट्रेन, वाव क्या ये ट्रेन है, लुकिंग लाइक ए लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर, कि ये कैसे दिख रही है, एक लॉन्ग बॉक्स की तरह दिख रही है यहाँ से, जो ट्रेन है उसको देख रहा है वो, देखो साइड से दिख रहा है, पहले वो टॉप से देख रहा था, अब देखो साइड व्यू से देख रहा है वो, साइड से देख रहा है, ये ट्रेन दिख रही है उस, नहीं ये नहीं, ये तो एक फैक्ट्री है, यहाँ पे दिख रही है ट्रेन. ठीक है, ये दिख रही है, ये उसका घर था ये वाला, और ये सुशानी का हाउस था, ये पार्क था, और क्या क्या चीजें बताई थी, देखो ये गुरुद्वारा दिख रहा है अब हमें अच्छे से, और ये स्वीट शॉप दिख रही है, ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं. फिर से सडनली देर वाज ए लाउड साउंड, अचानक से वहां पे एक बहुत तेज आवाज हुई, फट ऐसे, द बैलून, अब क्या किस चीज की आवाज थी वो, द बैलून ब्रस्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन डाउन, कि जो बैलून था वो ब्रस्ट हो गया, मतलब फूट गया था, और स्टार्टेड, और नीचे फॉलिंग डाउन, मतलब नीचे गिरना शुरू हो गया था, डाउन नीचे और नीचे. एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर, अब वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है, डिस्टेंस उसका दूर था पहले वो, अब कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है चीजों के साथ, अब वो उसको कैसे दिखनी शुरू हो गई है, बिगर एंड बिगर, बड़ी और बड़ी दिखाई देती जा रही है, बड़ी होती जा रही है. ढप
गप्पू फैल ऑन द रेलवे ट्रैक। अब जो एकदम से धप ऐसे गिर गया, वो गप्पू गिर गया, नीचे गिरा किस पे, रेलवे ट्रैक पे। ही रेन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूअल मोंटी। अब वो दौड़ा अपने आप को बचाने के लिए किसे, निर्दयी, क्रूअल का मतलब निर्दयी, किसे, मोंटी से, ठीक है। हू रेन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। जो उसके पीछे भाग, गप्पू, हू रेन आफ्टर गप्पू, गप्पू और दूसरे जो रैट थे ना रेलवे ट्रैक पे, उनके पीछे वो भाग रहा था, मोंटी, ठीक है। हू रेन आफ्टर मतलब वो दौड़ रहा था, किसके पीछे दौड़ रहा था, गप्पू और दूसरे रैट्स, दूसरे चूहे भी थे वहां पे ट्रैक पे उनके पीछे, ऑन द रेलवे ट्रैक। और चूहे दिखा नहीं रखे, सिर्फ यही गप्पू ही दिखा रखा है यहाँ पे, लेकिन वो मोंटी उनके पीछे दौड़ रहा था, और भी चूहे थे वहां पे, आपने देखा भी होगा रेलवे ट्रैक पे बहुत सारे चूहे होते हैं। वैन गप्पू सा द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबाव। जब गप्पू ने रेलवे ट्रैक को ऊपर से देखा था, इट लुक लाइक दिस, तो ये कैसे दिख रही थी, ऐसे दिख रही थी ना ऊपर से, सिर्फ हमें क्या दिख रहा था, ऐसे, फिर ये जो कोयला होता है, ये लकड़ी होती है बीच में, कोयला होता है फिर लकड़ी होती है फिर कोयला, ऐसे दिख रहा था, और ये मोंटी है बीच में। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है। बट वैन ही फैल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस। लेकिन जब वो रेलवे ट्रैक पे गिर गया तो जो रेलवे लाइन है वो इस तरह से दिख रही है, देखो अब ऐसे दिख रहा है वो, इधर से दिख रही है आपको, ऐसे दिख रही है कि यहां से तो वाइड दिख रही है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वो पास आती जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो छोटी होती जा रही है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। आप भी देखते हो कभी कि रेलवे ट्रैक को देखते हो, तो जब हम उस मतलब जो हिस्सा हमारे पास होता है वो हमें चौड़ा दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है उस ट्रैक का, मतलब जो दूर वाला है उस, वो हमें कैसा दिखाई देता है, वो छोटा दिखाई देता है और नैरो दिखाई देता है, ठीक है, उसकी विड्थ कम हो जाती है, क्योंकि वो डिस्टेंस के साथ हमें, वो डिस्टेंस का फर्क है, डिस्टेंस की वजह से हमें छोटा दिखाई दे रहा है और पास आता जा रहा है। ओ थिंग्स लुक सो डिफरेंट, अरे चीजें इतनी अलग दिखाई देती हैं, व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड, कि जब आप उनको टॉप से देखते हो और साइड से देखते हो, ठीक है, तो वो अलग अलग दिखती हैं। अब ये साइड से देख रहा है, वैसे साइड से नहीं, वैसे तो फ्रंट से देख रहा है यहाँ से, लेकिन इसको साइड ही बोले, यहाँ पे सिर्फ हमें दो ही व्यू पढ़ने हैं, साइड व्यू और टॉप व्यू, तो अलग अलग दिखती हैं साइड से और टॉप से। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड, ठीक है, देखो इस एंड से हमें कैसी वाइड दिख रही है और बिग दिख रही है, और दूसरे एंड से क्या हो रही है, छोटी दिख रही है, स्मॉल नैरो दिख रही है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिफरेंस इन डिस्टेंसेस, ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंसेस दे लुक डिफरेंट, ठीक है, दे लुक वाइड एंड बिग एट नियर अबाउट अस एंड नैरो एंड स्मॉल एट द फार डिस्टेंस। सेम थिंग इज हेयर, कैंडल्स की रो बना रखी है, सेम डिस्टेंस पे है हालांकि वो, लेकिन जब हम उसको पास से देखते हैं तो वो दूर ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे दूर मतलब हम नजर मार रहे हैं, नजर फैला रहे अपनी दूर तक लेके जा रहे अपनी साइट को मतलब नजर को, तो वो हमें पास दिखाई देती हैं आते हुए, लेकिन एक्चुअल में उतना ही डिस्टेंस है। अब ट्रैक भी आपने देखा है वैसे तो सेम ही डिस्टेंस रहता है, ये थोड़ी ना कि पास आ जाती हैं वो, लेकिन वो हमें क्योंकि दूर की चीजें हैं इसलिए वो पास दिखाई दे रही हैं आपस में। मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज, कि एक पोज दिया है आपको, देखो ये वाला पोज, इसको हमें इन चार पोजेज में से मैच करना है, ओके। तो देखो दिस इज ए टॉप व्यू ऑफ ए गर्ल इन ए योगा पोज, ये टॉप व्यू है, हम ऊपर से देख रहे हैं इसको। ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज मार्क इट। अब देखो इस पोज में देखो, ऐसे आप इसने एल्बो की हुई है और इसका फेस देखो बिल्कुल फ्रंट में है, सामने देख रही है ये, ठीक है, सामने देख रही है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो इनमें से देखो यहाँ पे क्या ये सामने देख रही है, नहीं, ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो बिल्कुल ये आप ध्यान से देखना, ये सामने देख रही है, इसमें ये साइड में देख रही है, पहले वाले में इसमें सामने देख रही है, देखो
ये सेम पोज है, ये वाला सेकंड वन। नेक्स्ट में देखो, फिर से साइड में देख रही है वो, नहीं हो सकता, ये वाले में भी साइड में देख रही है, ठीक है। और इसमें पैर भी इसने ऊपर उठाया हुआ है, वहां पे देखो उसने पैर ऊपर नहीं पकड़ा हुआ है, सिर्फ हाथों को पकड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही है। एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ है ओनली। तो कौन सा पोज सेम है? ये बी सेकंड वाला, दिस वन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, हैव ए नाइस डे।